हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डू वर्ड प्रॉब्लम, पेज नंबर 47। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ फ्रूट सेलर हैज 520 मैंगोज इन हिज शो। इट मीन्स अ फ्रूट सेलर क्या होता है बेटा? फ्रूट बेचने वाला। उसकी दुकान में कितने मैंगोज हैं? 520 मैंगोज है। ही सोल्ड, उसने बेच दिए। कितने मैंगोज बेच दिए बेटा? 269 मैंगोज उसने बेच दिए। हाउ मैनी मैंगोज आर लेफ्ट, अब उसके पास कितने मैंगोज बचे हुए हैं? बेटा आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास 5 टॉफीज हैं, ओके, और 2 टॉफीज आपने अपने ब्रदर को दे दी। आपके पास कितनी टॉफीज बची बेटा? टोटल आपके पास कितनी टॉफीज थी? 5 थी, और 2 टॉफीज आपने अपने भैया को दे दी, तो आपके पास कितनी बची बेटा? 5 में से हमें क्या कर क्या किया आपने? माइनस की ना, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो बेटा कितने बच गए? 3 टॉफीज आपके पास में बच गई। ठीक है, इसी तरह से ये सम है, इसे सोल्व करना बेटा। अ फ्रूट सेलर हैज 520 मैंगोज है, और उसने कितने बेच दिए? 269 मैंगोज उसने बेच दिए। अब उसके पास कितने बचे हैं? तो बेटा हम स्टेटमेंट लगाएंगे, देखो। ठीक है, स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट आपको सम सोल्व करना है बेटा वर्ड प्रॉब्लम का। ठीक है, अ फ्रूट सेलर हैज मैंगोज 520 मैंगोज। ही सोल्ड मैंगोज, उसने मैंगोज बेच दिए। कितने? 269 मैंगोज। ठीक है, मैंगोज आर लेफ्ट, अब उसके पास कितने मैंगो बचे? तो हम क्या करेंगे बेटा? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, वंस, टेंस एंड हंड्रेड। देखो पहले हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट द वंस करना है, वंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बेटा, ये क्या है? 0 में से 9 माइनस करना है। ठीक है, क्या होगा ये? नो, क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 0, तो ही कैन नॉट सब्ट्रैक्ट। तो यह क्या है? सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो क्या करेगा बेटा? ये इससे कैरी लेगा, तो यहां क्या बन जाएगा? 10। ठीक है, इसने 10 से कैरी लिए। ठीक है ना, 10 से क्या लिया? बोरो लिया, सॉरी, इसने 2 से क्या बेटा? 10 से क्या लिया है? बोरो लिया है। ठीक है, अब देखो 2 है, 2 में से जब 1 चला जाएगा तो यहाँ कितने बच जाएंगे बेटा? 1 बचेंगे। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1। अब ये 1 में से 6 जा सकता है? नो, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 1, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा? इससे 5 से बोरो लेगा, मतलब 100 से बोरो लेगा। 100 में क्या नंबर है बेटा? 5 है। 5 में से जब ये 1 बोरो 10 से ले लेगा तो यहाँ कितना बचा? 4। और ठीक है, 10 कितना हो जाएगा बेटा? 10 में जब 10 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11। ठीक है, अब हम ठीक है बेटा, अब 11 माइनस 6, अब हम 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा बेटा? 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट द हंड्रेड्स। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 2। ओके, अब कितने मैंगोज बचे बेटा शॉपकीपर के पास में? 251 मैंगोज। ओके, अब देखिए बेटा, अब हमें करना है सेकंड सम्स। ठीक है, अ कारपेंटर हैज 624 नेल्स, मतलब एक कारपेंटर के पास बेटा कितने कीले हैं? 624। ही यूज, उसने यूज कर ली, भाई कोई सामान बनाया उसने, फर्नीचर वगैरह बनाया, तो उसने कितनी यूज की है? 396 नेल्स। हाउ मेनी नेल्स आर लेफ्ट अनयूज्ड, अब उसके पास अनयूज्ड नेल्स कितने बचे हैं? ठीक है, अब हमें यह सोल्व करना है बेटा विद स्टेटमेंट। अ कारपेंटर हैज नेल्स 624, ही यूज्ड नेल्स 396, नेल्स आर लेफ्ट, अब उसके पास कितनी नेल्स बची है जो अनयूज्ड थी? अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, 4 में से 6 जा सकता है, 4। ठीक है बेटा, पहले हमें वंस टेंस मेंशन किया,
ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वंस कॉलम है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो फोर में से सिक्स जा सकता है? नो, क्योंकि सिक्स इज ग्रेटर देन फोर, तो फोर में से सिक्स नहीं जा सकता। देखो सिक्स इज ग्रेटर देन फोर, तो क्या आ जाएगा बेटा, सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट सिक्स वंस फ्रॉम फोर वंस। ओके, अब देखो क्या करेगा, ये टेन से बोरो लेगा, टेन से फोर ने बोरो लिया तो यहाँ क्या बन गया बेटा, फोर्टीन। अब टेन से बोरो लिया है ना वन, तो टेन में क्या है, टू है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा बेटा, वन नंबर। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर्टीन में से सिक्स माइनस करना है बेटा आपको, फोर्टीन नंबर में से सिक्स माइनस करना है। देखो आप है ना काउंट भी कर सकते हैं ऐसे बेटा, सिक्स से बाद वाले नंबर से फोर्टीन तक काउंट करना है, सिक्स के बाद क्या आएगा, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, बेटा हाउ मेनी नंबर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ओके, अब देखो अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द टेंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो वन में से क्या माइनस, वन नंबर में से नाइन माइनस होगा बेटा, नो, क्योंकि नाइन इज ग्रेटर देन वन, सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट नाइन टेंस फ्रॉम वन टेंस। ठीक है, अब ये क्या करेगा बेटा, सिक्स से बोरो लेगा, जो हंड्रेड में क्या है सिक्स, सिक्स से वन बोरो लेगा तो यहां क्या बन जाएगा, इलेवन, और यहां कितने बच गए बेटा, फाइव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इलेवन में से नाइन माइनस करना है, नाइन टेन इलेवन, तो क्या आया बेटा, टू। ठीक है, अब ये क्या, यहाँ कितने बचे थे, अब क्या हम हंड्रेड प्लेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हंड्रेड कॉलम है ना, अब देखो फाइव में से थ्री माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, टू, तो उसके पास कितनी अनयूज्ड रही बेटा, 228, कितनी अनयूज्ड रही है, 228 नेल्स। ओके, अब बेटा थर्ड क्वेश्चन देखिए, रचिता स्कोर 395 मार्क्स एंड हर फ्रेंड स्कोर 400 मार्क्स, हाउ मैनी मोर मार्क्स हैज हर फ्रेंड स्कोर। रचिता ने बेटा कितना स्कोर किया है, कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 395, और उसकी फ्रेंड ने कितने किए हैं, 400 मार्क्स। अब वो कह रहा है कि हाउ मैनी मोर मार्क्स हैज हर फ्रेंड स्कोर, मतलब हाउ मैनी मोर मार्क्स, मतलब उसके जो फ्रेंड है उसने उसकी फ्रेंड से कितने स्कोर मार्क्स ज्यादा किए हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करो, ठीक है, उसकी फ्रेंड ने कितने मार्क्स स्कोर ज्यादा किए हैं उससे। ठीक है बेटा, अब देखो रचिता स्कोर मार्क्स 395, हर फ्रेंड स्कोर मार्क्स 400। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसने कितने ज्यादा किए हैं, 400 में से। अब देखो बेटा ये क्या है, 400 से कम है ना, तो क्या हम करेंगे, हमेशा बड़ी संख्या जो लार्ज नंबर होता है वो ऊपर होता है और जो स्मॉल नंबर होता है वो नीचे होता है, तब सब्ट्रैक्ट होता है। अब देखो 400 माइनस 395 माइनस क्या, अब देखो पहले हम क्या करेंगे, वंस, जो वंस कॉलम है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गए बेटा 5, 9 में से 9 गए 0, 3 में से 3 गए 0, तो उसकी फ्रेंड ने उससे कितने मार्क्स ज्यादा स्कोर किए हैं, 5 मोर मार्क्स हैज हर फ्रेंड स्कोर। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, रितु हैज 250 कार्टून स्टिकर्स एंड पायल हैज 164 कार्टून स्टिकर्स, हाउ मैनी, मतलब रितु के पास कितने हैं बेटा, 250 कार्टून स्टिकर्स हैं और पायल के पास कितने हैं, 164 कार्टून स्टिकर्स हैं, हाउ मैनी मोर स्टिकर्स। अब इन दोनों में से पायल और रितु के पास में से किसके पास बेटा स्टिकर्स ज्यादा है, रितु के पास है ना 250 है और पायल के पास 164 है, तो किसके पास है, 250 रितु के पास है, कितने ज्यादा है, वो कह रहा है कि कितने ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रितु हैज कार्टून स्टिकर्स 250 एंड पायल हैज कार्टून स्टिकर्स 164, रितु हैज,
अब देखो अब हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 250 है और इसके पास कितना है 164, मतलब किसके, रितु के पास कितने ज्यादा स्टिकर्स हैं। 10 में से 4 माइनस करेंगे बेटा, नहीं जा सकता ये इससे बोरो लेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 10, 10 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 6। अब इसने इससे यहाँ कितने बचे थे बेटा 4, अब 4 में से 6 नहीं जा सकता तो ये किससे बोरो लेगा 100 से बोरो लेगा तो यहाँ कितने बन गए 14। अब 14 में से हमने 6 माइनस किया तो क्या आया 8। अब यहाँ कितना बचा बेटा 100 कॉलम में 1 बचा, अब 1 में से 1 गए 0। तो रितु के पास कितने स्टिकर्स ज्यादा थे पायल से, रितु हैज 86 मोर स्टिकर्स किससे, पायल से। ठीक है बेटा समझ में आ गया। अब देखो मैंने आपको 1 2 3 4 सम सॉल्व कराए हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 आपको समझ में आ गए होंगे। और ये बेटा आपको आपको नोटबुक और बुक दोनों में करना है। देखो बेटा इसमें आपको सिर्फ माइनस सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट नहीं लगा सकते हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मैं आपको बेटा एक सम सॉल्व करके बता देती हूँ। बेटा बुक में सिर्फ आपको क्या करना, जो ये वाला पार्ट है ना जो सब्ट्रैक्ट का है, सिर्फ ये करना है क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। और नोटबुक में बेटा आपको इस तरह से विद स्टेटमेंट आपको सम सॉल्व करने हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले, ठीक है, ये वाले फोर सम्स, ये क्लास वर्क है बेटा और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जैसे इन अ स्कूल देयर आर 360 गर्ल्स एंड 450 बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर मोर इन अ स्कूल देन गर्ल्स। अब देखो ये क्या कह रहा है, इन अ स्कूल, स्कूल में कितने हैं बेटा 360 गर्ल्स हैं और बॉयज कितने हैं 450 बॉयज हैं, हाउ मेनी बॉयज आर मोर इन अ स्कूल देन गर्ल्स। अब कितने ज्यादा हैं बॉयज, कितने ज्यादा हैं गर्ल्स से, तो ये आपको क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करने हैं। 450 में से आपको 360 गर्ल्स माइनस करनी है तो क्या जाएगी बेटा, कितने ज्यादा हो जाएंगे बॉयज, ये आपको सोल्व करना है, ठीक है। इसी तरह से बेटा आपको ये सम सोल्व करने हैं, नोटबुक में करने हैं और बुक में भी करने हैं बेटा। ओके थैंक यू।